अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द लेसन। स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव रेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली वी हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन द प्रीवियस लेसन। टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of Pakistan, the following rights should be available to all citizens। वो जो constitution Pakistan का है और जो अभी तक हमारा जिस constitution को हम follow कर रहे हैं, जो applicable है, वो constitution 1973 में जो है वो बना था और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उसको follow किया जा रहा है। बीच में दो जनरल गुजरे हैं, जनरल ज़ियाउल हक और उनके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कुछ अरसे के लिए उसको आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बहरहाल वो जो है वो मनसूख नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वही आइन जो है वो अभी जो है एप्लीकेबल है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो इसी आइन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हर शख्स के लिए, हर शहरी के लिए लाजिम है, और वो हम सारी डिटेल यहाँ पढ़ेंगे। सेलेक्टिव कुछ यहाँ पर बयान किए गए हैं, सबके सब तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि जितने भी हैं वो यहाँ बताए गए हैं। एंड ऑल्सो नो लॉ कैन बी मेड इन वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। आइन में ये भी लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि इन हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए कोई भी नया कानून नहीं बनाया जाएगा, यानि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इंसानी हकूक, खासतौर पे ये तमाम हकूक जो बयान किए गए हैं, इनको वायलेट करे, इनके खिलाफ हो, या किसी भी शख्स को ये हकूक मिलने में अगर रुकावट बनते हैं तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो पास नहीं किया जा सकता। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन राइट्स, द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन, द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ। सबसे पहला जो ह्यूमन राइट है, जो इंसानी हक है, वो उसकी जिंदगी का हक है और उसकी जिंदगी की हिफाजत का हक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी से की हुकूमत हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, या मार्शल लॉ हो, किसी भी सूरत में जो गवर्नमेंट होगी, उन सब की जिम्मेदारी है, लाजमी है कि वो जो पाकिस्तान के शहरी हैं, अवाम हैं, उनकी जिंदगी को महफूज बनाए, उनकी जिंदगी का तहफ्फुज करे। नंबर टू, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इंसानी शख्सी आज़ादी का हक। नोबडी शुड बी अरेस्टेड विदाउट वारंट्स। अगर किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर कोई शुबा है, शक है, तो कोई भी जो है वो अरेस्ट नहीं हो सकता जब तक उसके वारंट ना हो। नोबडी कैन बी जेल्ड विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी शख्स को मुकम्मल ट्रायल के बगैर, मुकम्मल जो उसकी तफ्तीश है और जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं अदालत में पेश करके, उसके जुर्म को साबित किए बगैर उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। इंसान को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, शख्सी आज़ादी। नंबर थ्री, द राइट टू जस्टिस। इंसाफ का हक। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्ट, रेस और जेंडर। ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल। सबसे ज्यादा जो इंसाफ का हक है वो तमाम इंसानों का, तमाम शहरियों का हक है, और हर शख्स को इंसाफ के साथ मुनासिब तरीके से जो है वो उनको ट्रीट करना है, उनके साथ सलूक करना है। किसी भी शख्स में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना ही मजहब की बुनियाद पर, यानी चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्रिश्चियन हो या फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, या फिर किसी भी जात या किसी भी नस्ल से ताल्लुक हो, और इवन जेंडर, मेल हो या फीमेल, मर्द हो या औरत, किसी भी सूरत डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे मर्द हो या औरत। तो मुकम्मल इंसाफ हर शख्स का हक है। नंबर फोर, द राइट टू डिग्निटी। अजमत, इज्जत का हक, रिस्पेक्ट का हक। नो सिटीजन शुड बी ह्यूमिलेटेड। किसी भी शख्स के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ चांस टू लिव विद डिग्निटी। हर शख्स का हक है कि वो बाइज्जत जिंदगी गुजारे, वो चाहे गरीब है या दौलतमंद है या किसी भी जात से, किसी भी रंग से, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है,
हर शख्स की रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना जो है वो लाजिम है। द राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का हक, जाती जिंदगी में किसी के भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, हर शख्स जो है वो उसको प्राइवेसी हासिल होना चाहिए। नो बडी शुड बी सर्च्ड बाय एनीवन इंक्लूडिंग द पुलिस विदाउट अ प्रॉपर सर्च वारंट। जो भी शख्स अपनी जाती जिंदगी में है, इनफरादी जिंदगी में है, अपने घर में रहता है, उसको मुकम्मल प्राइवेसी का हक है। कोई भी शख्स या इवन पुलिस भी उसमें शामिल है कि वो भी किसी की घर में तलाशी नहीं ले सकती, जबरदस्ती घुस नहीं सकते, जब तक कि पुलिस के पास भी प्रॉपर वारंट ना हो, सर्च वारंट। नंबर सिक्स है द राइट ऑफ मूवमेंट, हरकत करने का हक, यानी घूमने फिरने का, नकलो हमल का, यहां से वहां जाना। नो बडी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग, किसी को भी सफर करने से, आने जाने से रोका नहीं जा सकता। द राइट टू असेंबली, असेंबल होना, इकट्ठे होने का हक। पीपल कैन मीट ईच अदर वेन एवर दे लाइक, लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं जब चाहे, और उन्हें मुकम्मल तौर पर इस चीज का हक हासिल है। पॉइंट नंबर सेवन द राइट टू असेंबली। पॉइंट नंबर एट द राइट टू प्रोफेशन, किसी भी पेशे को अपनाने का हक, यानी इंसान अगर जो जिस तरह चाहे पेशा इख्तियार करके रोजगार कमा सकता है, रोजी कमा सकता है। पीपल कैन चूज एनी प्रोफेशन दे लाइक, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या किसी और शोबे में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना, जिस चीज को वो पसंद करते हैं, लोगों को हक है कि वो कोई भी प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। द राइट टू एक्सप्रेशन, इजहार राय का हक, अपनी बात को बयान करने का हक। पीपल कैन से और राइट वट एवर दे विश एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर सिटीजन्स। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी, अपनी राय का इजहार कर सके, जो देखता है, सोचता है, किसी हुकूमत के खिलाफ भी या किसी भी मामले के खिलाफ, लेकिन उस सूरत में कि जब वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, यानी ऐसी बात भी नहीं करनी जिससे दूसरे शहरियों को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। हेंस दे शुड ऑल्सो बी फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने की आजादी है, गवर्नमेंट पे भी तनकीद कर सकते हैं, अगर वो गलत काम कर रही है तो उनके बारे में कहने का और बोलने का पूरा हक हासिल है हर इंसान को। द राइट टू ओनरशिप, मिल्कियत रखने का हक, जायदाद, प्रॉपर्टी बनाने का हक। एवरी सिटीजन इज फ्री टू ओन प्रॉपर्टी थ्रू परचेज, गिफ्ट और इनहेरिटेंस। हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, चाहे वो खुद खरीदे या उसे किसी ने गिफ्ट किया हो या फिर उसकी इनहेरिटेंस हो, विरसे में मिली है, वालदेन से, दादा से, पहले से आपके आबाई खानदान से चली आ रही है प्रॉपर्टी, तो वो आपको इनहेरिटेंस आपको मिली है, आपको विरसे में मिली, किसी भी तरह उस प्रॉपर्टी है, तो हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। नोबडी शुड टेक अवे अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ सिटीजन हु राइटफुली ओन्स इट। किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी छीन ले। अगर किसी को ने जायज तरीके से कानून के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, वो जमीन भी हो सकती है, वो बैंक में भी अमाउंट रखी हुई हो सकती है, किसी और सूरत में भी प्रॉपर्टी बिजनेस की शक्ल में भी है, तो अगर वो जायज है, लीगल है और कानून के मुताबिक है, तो कोई भी शख्स उससे उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। एंड द लास्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी, बराबरी, मुसावात का हक। ऑल सिटीजन्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग देमसेल्व्स। तमाम शहरियों को हक हासिल है कि वो अपनी तरक्की के लिए, कामयाब बनने के लिए, किसी भी तरह से तमाम इंसान बराबर हैं, उन सबको सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम मौके मिलने चाहिए, कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट करने में या एजुकेशन के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, जिस तरह की भी सहूलत है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। कोई भी जो है ताकतवर हो या दौलतमंद हो, वो ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा चीजें मिलें, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलें और जो गरीब है उनको ना मिले, बल्कि तमाम इंसान इक्वल हैं और तमाम शहरियों को बराबर तरक्की करने के मौके मिलने चाहिए। तो ये तमाम ह्यूमन राइट्स हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन में मौजूद हैं, और कोई भी शख्स जो है वो इन हकूक को नहीं छीन सकता। चैप्टर आपका खत्म हो गया है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5-6 में आपको करवा चुकी हूँ टेररिज्म के हवाले से। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट बेसिक राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन।
इसमें पहले आप डेफिनेशन छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बताएंगे. फर्स्ट लाइन से, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एनी कंट्री. इट इज अ सेट ऑफ लॉज दैट टेल्स द गवर्नमेंट हाउ टू रूल. यहां तक पहले आप लिखेंगे जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सेकेंड पार्ट है व्हाट बेसिक राइट्स आर अवेलेबल. आपने उसके बाद ये डेफिनेशन के बाद स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां दिस के बजाय आप दा लिखेंगे. द फॉलोइंग राइट्स शुड बी अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. यहां तक आप लिख के और फिर आपने पॉइंट्स की सूरत में ये सारे राइट्स जो है वो लिखने हैं. लेकिन आप क्या करेंगे, सारी डिटेल नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना. नंबर वन, द राइट्स टू, द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ. नंबर टू, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी. सिर्फ इतनी पॉइंट्स आप लिखेंगे. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, द राइट टू जस्टिस. नंबर फोर, द राइट टू डिग्निटी. नंबर फाइव, द राइट टू प्राइवेसी. नंबर सिक्स, द राइट टू राइट ऑफ मूवमेंट. नंबर सेवन, द राइट टू असेंबली. नंबर एट, द राइट टू प्रोफेशन. नंबर नाइन, द राइट टू एक्सप्रेशन. नंबर टेन, द राइट टू ओनरशिप. और नंबर इलेवन, द राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, यानी आपने इनकी सारी डिटेल नहीं लिखनी, वो हमने पढ़ लिया है, आप रीडिंग करेंगे समझेंगे. लेकिन जो आप नोट लिखेंगे वो आप डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये टू लाइन्स में आएगी. और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग राइट्स शुड बी अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तरह नंबरिंग की सूरत में सिर्फ इतनी इतनी पॉइंट्स लिखेंगे. द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ. इज इट क्लियर? ये आपका होमवर्क है, आपने करना है इसको कॉपी में नीट एंड क्लीन. राइटिंग बहुत अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए. इंशाल्लाह रिमेनिंग एक्सरसाइज हम अगले लेसन में करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.